Live, a platform to sharing your thoughts. राजस्थान ललित कला अकादमी का 21वां कला मेला और शिल्प ग्राम में कलाकारों की गहमा गहमी, इन सब के बीच में हम देखते हैं कला के इस महोत्सव में बात करते हैं कुछ सीनियर आर्टिस्ट से। हम मिलते हैं सबसे पहले रेखा भटनागर जी से। आपने कानोरिया कॉलेज में पहले लेक्चरशिप की है, तो सीनियर आर्टिस्ट होने के नाते अब की बार हम पार्टिसिपेशन कम देख रहे हैं यहाँ सीनियर आर्टिस्ट का, और जूनियर आर्टिस्ट का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं रेखा जी से, आपको क्या लगता है इस कला मेला के बारे में, आप कैसा सोचते हैं? इस कला मेला में ज़्यादातर सीनियर ने अपने स्टॉल्स नहीं लिए, हमेशा लिया करते थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि यंगस्टर्स को मौका दें। और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अपने अपने ग्रुप्स हैं, उनकी सबकी पेंटिंग्स हैं, उसमें ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, तो उनकी पेंटिंग्स को एग्जिबिट किया है, तो उनका क्या ट्रेंड है वो देखने को मिलता है। और हम आपके हाथ में किताब देख रहे हैं, अभी रिसेंटली ये किताब धूल ही चित्र मांडना आर्ट पे इन्होंने एक किताब लिखी है, उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे। ये असल में केवल मांडना नहीं है, इसमें जो फ्लोर पे डिज़ाइंस बनते हैं ट्रेडिशनल, वो मैंने 4 स्टेट्स के लिए हैं। राजस्थान का मांडना है, बंगाल की अल्पना है, साउथ का कोलम मुगलू अनियाल और रंग रेखावल्ली, और इसके अलावा महाराष्ट्र की रंगोली है। तो मैंने 1000 डिज़ाइंस अपने हाथ से ड्रॉ किए हैं, और स्टूडेंट्स के लिए, महिलाओं के लिए, कि हम भूले जा रहे हैं तो ये ना भूलें, और बहुत मेहनत से इसको किताब को बनाया है और बहुत आर्टिस्टिकली इसको हमने पब्लिश किया है, ताकि एक आर्ट की बुक आर्टिस्टिक तो दिखे, एक टेक्स्ट बुक ना दिखे, ये मेरी कोशिश रही है। कला मेले में एक और विधा एचिंग, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से पास आउट योगेश नरूका से बात करते हैं कि आपकी एचिंग्स हम देख रहे हैं, कुछ मोनोक्रोम्स में भी हैं एंड कलर्स में भी हैं, तो हमें थोड़ा सा इसकी एचिंग की विधा के बारे में। इसमें ये जिंक प्लेट के ऊपर हमें नाइट्रिक एसिड से काट करके और उससे हमें इस ड्राइंग फॉर्म में इसको करना पड़ता है, तो टेक्निकली इसमें अगर आपको आएगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगी, और इसमें आपको पूरा एडिशन निकालना होता है आर्टिस्ट प्रूफ के हिसाब से, तो आप एडिशन करके फिर रखते हैं, उसका एक एक प्रिंट यहाँ पर मैंने डिस्प्ले किया है कुछ कुछ, और इसमें मेरे ज़्यादातर कलर मोनोक्रोमेटिक आते हैं अकॉर्डिंग टू माई नेचर आई थिंक, और एचिंग्स में कंटिन्यू कम से कम 8-10 दिन में मैं एक प्रिंट तैयार करता हूँ, और इसमें अभी लगातार प्रयासरत हूँ, काम कर रहा हूँ। मेरे यहाँ पर ज़्यादातर मल्टीप्लेट्स पे इम्प्रेशन लिया है, ज़्यादातर लोग सिंगल प्रिंट करते हैं सिंगल प्लेट पर मैं यहाँ मैंने 2 प्लेट को जोड़ करके, 2 प्लेट का इम्प्रेशन एक जगह ले करके कुछ नया करने का कोशिश किया है। खेतांची जी एक ऐसा नाम, ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन, और खेतांची जी से जानते हैं कि इस बार के कला मेले और पिछले आपने बहुत सारे कला मेले देखे हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस, डू यू फाइंड एनी बेटरमेंट और व्हाटएवर? कि जो 21वां कला मेला हुआ है, एक तो है कि इसकी व्यवस्थाएं बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है, सारी सबको स्टॉल भी अच्छे बड़े साइज के दिए गए हैं, उससे कि सब कलाकारों के काम को स्पेस मिलता है देखने को, अच्छा लगता है। जो कलाकारों में बहुत अच्छे स्तर के कलाकार आए हैं, और कई जो पुराने काम भी देखे उनके भी काम में ग्रोथ दिखती है, ये देख के खुशी होती है कि हमारे जो नए यंग आर्टिस्ट हैं सब अपने काम को लगातार में बढ़ोतरी कर रहे हैं और काम में अच्छा, ये राजस्थान के कलाकारों के लिए बहुत बड़ी एक आयोजन है, जिसमें क्या सब कलाकारों का काम देखने को भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है, और एक दूसरे काम देख के एक दूसरे से सहयोग भी मिलता है। सिटी लाइव, अ प्लेटफॉर्म टू शेयरिंग योर थॉट्स। पीएसपी कॉलेज बांसवाड़ा से आए हुए कुछ युवा कलाकारों से मिलते हैं, आप कौन से कॉलेज से हैं? पीएसपी कॉलेज प्रतापपुर। और यहाँ हम देख रहे हैं कि आर्ट में अपने को स्कल्पचर्स भी दिख रहे हैं, पेंटिंग्स भी दिख रही हैं, मल्टीमीडिया भी कुछ काम यहाँ पे नज़र आ रहा है, ज़रा आपका काम कौन सा है? जी मैम, वो रहा मेरा काम। ओके, आपने ये स्कल्पचर्स बनाए हैं, आप कौन से ईयर के हैं? एमए प्री फाइनल फाइनल के हैं,
तो आप स्कल्पचर में कर रहे हैं, अपने स्कल्पचर के बारे में कुछ समझाना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, ये वेस्ट मटेरियल का से काम किया हुआ है, पूरी एक ही जड़ में काम किया है ना। इसका टाइटल, इसका टाइटल इंट्रोस्पेक्शन है, मतलब अंतर्द्वंद, अपने अंदर के जो ये जो चेहरे हैं वो बाहर निकलने की कोशिश करें मैम। तो ये जो चेहरे हैं उसके पीछे मतलब परिस्थितियाँ कुछ विपरीत है जो उसको खींचने का काम कर रही है, इस टाइटल पे है ये पूरा। कूल, वर्किंग विद द वेस्ट मटेरियल, पेड़ों की जड़ से बनाया हुआ ये स्कल्पचर लोगों को लुभा रहा है। आप कहाँ से आए मैम? मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, मेरा नाम साधना संगर है और मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ वी ग्रुप की। ओके, यहाँ जयपुर आके आपको कैसा लग रहा है? चंडीगढ़ के बाद राजस्थान में आर्ट का कैसा माहौल लग रहा है? नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा अनुभव हुआ है यहाँ पर आके। पहली बात तो ये है कि यहाँ की आर्ट की गरिमा वैसे ही बहुत है, तो दूसरा ये ललित कला अकेडमी की तरफ से लगा है, तो और जो यहाँ पर यंग आर्टिस्ट को भी मौका दिया गया है, सीनियर भी हैं, और सभी लोगों का एक जगह पे मिलन होना, और जो बाहर से लोग सेमिनार्स के लिए आए हुए हैं उनके लिए भी मैं ललित कला अकेडमी की बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर सभी आर्टिस्ट इकट्ठे हो सके। इस यंग कलाकारों के मेले में एक सबसे यंग आर्टिस्ट जो मुझे दिख रहे हैं उनसे बात करते हैं, आइए मैम। Thank very much to you. Tell me that I am the youngest because I have joined one group and they told you it should be every time you should be young in the heart. Yes. Eh? Looking so old but still I am very young in the heart. Never mind. Age तो सिर्फ एक number है, मन से young होना चाहिए और artist हमेशा young रहते हैं। आइए मिलते हैं कुछ दूसरे कलाकारों से। तो ऐसा माना जाता है कि डिजिटल आर्ट इज सो ईजी, बट इस बारे में आपका क्या कहना है कि ये इतनी आसानी से बनता है या इसका प्रोसीजर क्या होता है? नहीं, आसानी से नहीं बनता है, इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर सीखना पड़ता है, स्पेशल पीसी आते हैं, बहुत महंगे आते हैं, टच स्क्रीन होता है, पेन होता है, जैसे आप कैनवस पे बनाते हैं उसी तरह से ही बनता है। ऑप्शन ये हो जाते हैं कि हाँ, उसमें आपको आसानी है कि आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं किस तरह से करना है। एक बार पेंटिंग आप करते हैं तो आप अंडू नहीं कर सकते, इसमें ये बस ये ऑप्शन है कि आप फिर से रिक्रिएट कर सकते हैं। मतलब पहले पेंटिंग बना के फिर उसको डिजिटलाइज किया जाता है। पेंटिंग, स्कल्पचर, फोटोग्राफी, इंस्टॉलेशन, इन सब का यहाँ पे एक संगम देखने को मिल रहा है जवाहर कला केंद्र में। तो आइए देखते हैं इधर कुछ ब्रॉन्ज स्टाइल में बने हुए पेपरमेशी के स्कल्पचर्स हैं, इसके बारे में ये आपने बनाया है, आप अपना नाम बताएं। शिव कुमार। के बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम शिव कुमार है, मैं जयपुर से हूँ, और मैंने ये स्कल्पचर, इसका नाम है नारी की पीड़ा, और मैंने ये सोच के बनाया, जैसे इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो इनके अत्याचार हो रहे हैं बच्चों पे, बाल रेपिस्ट हो रहे हैं और भ्रूण हत्या हो रही है, और नारी इसको लेकर चिंतित है, तो बाहर बाहर जो माहौल हो रहा है तो इसको काफ़ी चिंतित है, और अपने सपनों की, बच्चों की अपने सपनों की उड़ान को लेकर काफ़ी चिंतित है। पेंटिंग से अलग एक फोटोग्राफी के लिए स्नैपर्स ग्रुप से बात करते हैं। स्नैपर्स ग्रुप के लोग क्या सोच के इन्होंने स्नैप्स पे काम किया? हेलो, हम लोग ने बेसिकली पोर्ट्रेट्स लिया है, वाइल्ड लाइफ लिया है, और थोड़ा मैनिपुलेशन भी है हम लोगों का। लाइक फोटोग्राफी तो हर जगह होती है बट उसमें थोड़ा क्रिएटिवनेस भी दिखाई है, वाइल्ड लाइफ भी है और फ्रेम गेम्स भी है और नेचर है पूरा। रिस्पॉन्स इज वेरी गुड, लाइक लोग पूछ रहे हैं कि हाँ आप लोग कैसे करते हैं, और ऑप्शंस भी आ रहे हैं कि अगर आप करना चाहें शोज इन ऑल, तो इसलिए। कला की एक और विधा जहाँ हम संगम देख रहे हैं सारी विधाओं का, तो स्कल्पचर्स कुछ खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और ये प्रजापति इनके बनाए हुए हैं स्कल्पचर्स, किस मटेरियल में बनाए हैं आप ये बताएं? मार्बल के अंदर भी है, किले के अंदर भी है और फाइबर में भी है, अलग अलग मटेरियल में से है। कोई खास संदेश आप इनसे देना चाहते हैं? मैं देना चाहता हूँ, एक तो वाटर के ऊपर, सेव द वाटर के ऊपर मैंने अलग अलग थीम के ऊपर बनाया हुआ है सारा, जैसे सेव द वाटर के ऊपर बनाया हुआ है मैंने ये ट्रैप द चाइल्ड, बच्चा अपने बचपन में उसको कोई होश नहीं होता, किसी से भी लड़ने की कोशिश कर लेता है, वो इसलिए शार्प के ऊपर बनाया है ये, इसको फैशन का लुक दिया है मैंने अलग तरीके से अपना, अलग से क्रिएविटी चेंस अलग से ला के, इसका पेन का निप्पल अलग से ला के, इसका अलग से रुक दिया हुआ है, ये बच्चा रोता हुआ, इसका चूहा इसकी मूंगफली खा गया तो इस बच्चे को गुस्सा आ गया रो रहा है, इसका अलग से क्रिएविटी दिया है, ये राजस्थानी स्कल्पचर्स में दिया है मैंने। ओके, ना आपने मार्बल में काम किया और आपने पेंटिंग्स बनाई?
जी मैम, मैं सुजानगढ़ से हूँ और मेरा नाम पंकजा तुनवाल है और मैं यहाँ पर आर्ट डिस्प्ले करने के लिए आती हूँ और कला मेले में अभी आई हुई हूँ। और मैं राजस्थानी थीम पर काम करती हूँ और स्पिरिचुअल थीम पर भी काम करती हूँ। City Live, a platform to sharing your thoughts.